को जो हम लोगों का जो कांग्रेस पार्टी का जो बैंक अकाउंट को जो फ्रीज किया गया उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं इनकम टैक्स कार्यालय के सामने। यह निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए यह जनता का रोष है। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उन तमाम नीतियों का विरोध करते हैं जहां आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी क्या क्या मुद्दा क्या है मैम? मुद्दा ये है जो पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, ये किस बेसिस पे किए? बात असली बात ये है कि जितना कांग्रेस को चंदा मिला उससे 3 गुना बढ़ा के 4 गुना बढ़ा के टैक्स मांगा जा रहा है। ये जिस प्रकार से योजना बना के सरकार ने, तुम हमें चंदा दो हम तो धंधा देंगे, लगातार हम जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण उनके लिए हम सर को बेथे, सर को पे हैं और सर को पे रहेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के इनकम टैक्स गोलंबड़ के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी किस तरह का लोकसभा चुनाव का माहौल बना है, इसी बीच ऐसी बात हमारे सामने आ रही है कि कांग्रेस वालों की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनका जो बैंक अकाउंट है वो सेंट्रल की तरफ से बंद की गई है, रोक लगाई गई है। और इनका ये कहना है कि अभी ईडी और ईडी का मतलब गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, इसी सब तमाम मुद्दों के लिए आज ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और भारी तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। मैं इनसे बातें करूंगा। जी क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है जो बैंक को जो हम लोग का जो कांग्रेस पार्टी का जो बैंक अकाउंट को जो फ्रीज किया गया उसके विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं इनकम टैक्स कार्यालय के सामने कि भाई ऐसा हम लोग के साथ पार्टी के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिटलर शाही किया जा रहा है। पूरे देश में एक नया तरह का कानून व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था जो कायम हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग इनकम टैक्स चौराहा पर इनकम टैक्स कार्यालय के सामने धरना दिए हैं और हम लोग का एक शिष्टाचार प्रतिनिधि मंडल जाएगा कार्यालय में, अपना वो ज्ञापन देगा। जैसे कि अभी आपने सुना कि ईडी का जो दुरुपयोग करा जा रहा है, कांग्रेस वालों मतलब ऐसा मतलब आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी चल रही है, आप देख सकते हैं। और सर क्या मुद्दा क्या है? सर मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर तानाशाही के रूप अपना रही है, यह निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए यह जनता का रोष है। हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उन तमाम नीतियों का विरोध करते हैं जहां आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आज देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना स्पष्ट दिखा रखा है कि हमें कहां से क्या चंदा आता है, लेकिन इन्होंने तो चंदा को एक तरीके का धंधा बना रखा है कि आप अगर जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर कैसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। लेकिन यह सरकार पूरी तरीके से विपक्षी के तमाम ताकतों को खत्म करना चाहती है, तमाम सांसदों की आवाज को सदन के अंदर बंद करना चाहती है, जो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा और पूछूंगा कि पूरी मुद्दा क्या है। जी क्या क्या मुद्दा क्या है मैम? मुद्दा ये है जो पिछले 3-4 दिन से कांग्रेस के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं, ये किस बेसिस पे किए हैं? और वो अभी 2018-19 का रिकॉर्ड लेके, उसके बाद बीजेपी स्वयं कितना बॉन्ड के जरिए चंदा ली है और बात असली बात ये है कि जितना कांग्रेस को चंदा मिला उससे 3 गुना बढ़ा के 4 गुना बढ़ा के टैक्स मांगा जा रहा है, ये कहां से जायज है बात है? ये तो केवल मेंटली और हर तरीके से काम रोकने का तरीका है बीजेपी का, मतलब कांग्रेस को काम ना करने का तरीका, काम नहीं करने देने का तरीका अपनाई है ना, ये तो एकदम घोर तानाशाही है उसकी मोदी। जी यहाँ पे और भी लोग मौजूद है। जी सर जो ऐसी बात हमारे सामने आ रही है कि सेंट्रल के द्वारा जो बैंक अकाउंट मतलब बंद की गई है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे जिस प्रकार से योजना बना के सरकार ने, तुम हमें चंदा दो हम तो धंधा देंगे, यह कानून बनाया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इससे चिड़चिड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के खाता को फ्रीज किया है। तब जब हम एक एक पैसा टैक्स दिए हुए हैं, नरेंद्र मोदी बताएं तो कितने उद्योगपतियों से चंदा लिए हैं, उसके एवज में उन्होंने कितनी धंधा दी है, चंदा के एवज में प्लेटफॉर्म, BSNL, एयरपोर्ट, ट्रेन सब उन्होंने बेचा है। इसकी मांग हम करते हैं कि इसकी जांच हो और हमारा खाता जो फ्रीज है वो खुले। जी सर आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, आपके तरफ से अगला कदम क्या होगा?
लगातार हम जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण उनके लिए हम सर को पे थे, सर को पे हैं और सर को पे रहेंगे। आप देख रहे हो कि राहुल गांधी जी लगातार इम्फाल से जो दूसरी यात्रा निकाले हैं तो लगातार हम सड़कों पे जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि यहाँ पे कांग्रेस के लोग यहाँ इनकम टैक्स गुलंबड़ के पास मौजूद हैं कि और ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन का काम कर रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि इस बार जो मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि सेंट्रल की तरफ से मनाही की जा रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।